अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। यहाँ एक बहुत बड़ा दर्शन है मानस की शक्ति। वहां कोई और प्रोसेस नहीं थी, कोई स्त्री पुरुष पहले से नहीं था, वहां सिर्फ ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी इसलिए उनको मानस पुत्र कहा मनु महाराज को, उन्होंने मानस की शक्ति से, एंड दैट इज व्हाट ऑलवेज मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि आपके मन में इतनी ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम मानस की शक्ति को शक्ति बनाने की और नहीं बढ़ पाते, छोटी मोटी चीजों में अपने आप को इंगेज रखते हैं। लेकिन अगर इसकी शक्ति से सोचा जाए तो ये जहां तुम बैठ जाओगे वहां मैल खड़े कर सकता है। इसमें इतनी ताकत है। अब अगर आप कहें कैसे, तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो समझो कैसे। ये पूरी की पूरी सृष्टि और जो भी कुछ आप देख रहे हैं ये किसी मानस की ही तो उपज है। जितना भी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में ये सब दिमाग का ही तो है। हमारे दिमाग ने सोचा, हमारे दिमाग ने डिजाइन कर दिया। अब दो चीजें होती हैं, एक सोचता है एक डिजाइन करता है। तो कई बार कई लोग सोचते हैं, जैसे अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन ब्रेन की बात करें, तो लगभग 60,000 विचार प्रतिदिन एक व्यक्ति से गुजरते हैं। अब कौन किसको पकड़ के ठहराता है, उसका बुद्धि और विवेक का मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं। लेकिन जिसमें थोड़ा सा भी विवेक है वो एक अच्छे विचार को पकड़ता है और उसके साथ जीता है, और वो विचार फिर सामने प्रतिरूप हो जाता है। और यही हुआ है इस पूरी घटनाक्रम में। आप देखें जो भी कुछ है आपकी मन की ताकत से है सब कुछ। इफ यू फील योर सेल्फ इल, आपको इलनेस लग रही है, आपको लग रहा है आज शरीर टूट रहा है, कोई नहीं जोड़ पाएगा, टूटेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे लोगों से भी मिला, आप भी मिले होंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में, वो कहते हैं हमने एक पैसे की टैबलेट नहीं खाई, मतलब गोली ये बुखार आदि इत्यादि नहीं खाई, और शरीर चंगा है। मतलब शुरू से दिमाग में एक चीज चल रही है कि ये शरीर कभी बीमारी नहीं पड़ेगा, विचार, शरीर गुलाम हो गया विचार का। और एक्चुअल में शरीर गुलाम ही है विचारों का, आपके जो भी विचार हैं उसके अकॉर्डिंग आपका शरीर एक्ट कर रहा है। तो अगर शरीर आपके विचारों के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है तो फिर विचारों को चुनाव कीजिए, विचारों का, बेहतर विचारों का, शरीर वैसा करने लगेगा। ये तो शरीर क्या है, जब दुनिया इसके आगे पूरी दुनिया बौनी है तो छोटा मोटा शरीर क्या करेगा। विवेक बड़ी बड़ी सुंदर बात है। तो भगवान श्री ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र और पुत्री पैदा कर दिए, मानस, उन्होंने विचार इतना सशक्त कर दिया कि वो केमिकल रिएक्शन यहां से हुआ और सब एक स्त्री और पुरुष प्रकट हो जाते हैं। तो उनके दाएं भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री प्रकट होती है, दोनों प्रणाम करते हैं, नाम है मनु और शत्रुपा, इनके नाम रखिए। दोनों ने प्रणाम किया, आज्ञा, हमें आज्ञा दीजिए, आपने हमें जन्म दिया है, आप हमें आज्ञा दीजिए। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें मैथुनी सृष्टि करनी है, मैथुनी सृष्टि मतलब तुम्हें पुत्र पुत्री आदि इत्यादि पैदा करनी है, और तुम्हें यह करना होगा, क्या तुम करोगे। दोनों ने हाथ जोड़ के कहा कि हम आपके हैं, आप जैसा आदेश करेंगे वैसा हम करेंगे।